बेचने के साथ साथ ये फॉरेन घूमने का भी इनको काफी अच्छा शौक है, तो ये दोनों चीज की पूर्ति कर लेते हैं। घूमने के शौक को ही इन्होंने बिजनेस भी बना लिया कि भाई घूमने भी जाते हैं तो खर्चे भी निकल गए, घूमना भी हो गया, विदेश का विदेश हर कंट्री में घूमना हो गया, हर कंट्री में इन्होंने मार्केटिंग का भी मजा ले लिया। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सक्सेस से मिलाने वाला हूं जिनका व्यापार का मॉडल सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। आज मैं मिलाने वाला हूं आपके अपने एक पुराने व्यापारी से जो सूरत पहली बार आए हैं। जुड़े तो ये काफी टाइम से हमारे साथ है लेकिन सूरत इनका पहली बार आना हुआ है, तो जानेंगे इनके बारे में इनसे और कहां से हैं ये और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे बिल्कुल अलग हटके है समझेंगे इनसे। तो मिलते हैं सर से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहां से हैं, आपका नाम। सर मेरा नाम है शरीफ और हम जो है मतलब देहरादून से हैं। आपकी दुकान का नाम। जी मेरी दुकान का नाम है कोहली एंड सन्स। तो इनका कोहली एंड सन्स के नाम से दुकान है देहरादून में। तो आप बताएं आप इतने सालों से व्यापार में हैं लेकिन सूरत आज आप पहली बार आए हैं, तो इतने टाइम में आप पहली बार सूरत आए तो कैसा लगा आपको सूरत आकर के? सर सूरत आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा मिला मुझे, बहुत ही मतलब हम बहुत ही मुझे बहुत ही खुशी मिली ये इतना अच्छा माल है आपके पास और हमने हिसाब से ऑनलाइन ही माल मंगाया और यहाँ आके मुझे काफी और अच्छा लगा और काफी अच्छा माल मेरे को जो है मतलब यहाँ पे आकर जो है देखने को मिला। तो केशव माधव के साथ आप कब से व्यापार कर रहे होंगे? 5 साल हो गया भैया से सर से काम करते हुए। तो केशव माधव को ढूंढा आपने कैसे? मैंने ढूंढा और यूट्यूब से भी जो ढूंढा फिर यहाँ पे पता किया, यहाँ पे आया तो इनका बहुत ही यहाँ पे नाम है और मैं फ्लैश उतरा और डायरेक्ट जो है मतलब सर की शॉप पे मतलब हो गया। तो सालाना आप हमसे कितना माल खरीद लेते होंगे? कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का टारगेट। 5-7-10 लाख का तो माल सालाना चला ही जाता है। तो बात कर रहा था मैं आज इनके बिजनेस मॉडल के बारे में, इनका बिजनेस मॉडल सुन करके आप काफी आश्चर्य करेंगे। ये देहरादून में इनकी दुकान है लेकिन ये हर महीने फॉरेन निकलते हैं, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां पे अपने साथ सरिया ले जाते हैं या कुरियर से भेज देते हैं और वहां पे जाके ये सेल लगाते हैं। तो समझते हैं इनसे कि आखिर ये बिजनेस मॉडल है क्या और ये कैसे करते हैं और कैसा इनका अनुभव है इस चीज में। और आप भी अगर इसके बारे में जानना चाहें तो भैया से कभी भी समझ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो हम समझते हैं इनसे कैसा है इनका ये बिजनेस मॉडल, आखिर ये फॉरेन जाके कैसे माल को बेचते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप मेरे व्यापारी मित्र को अपने व्यापार मॉडल के बारे में बताएं कि आप फॉरेन जाके कैसे साड़ियाँ बेचते हैं और क्या कोई दिक्कत परेशानी आती है या नहीं। सर यहाँ से हम लोग माल उठाते हैं और फ्लाइट से पूरा माल जाता है और फ्लाइट से कहाँ मतलब जिस देश में आपको बेचना होता है? सिंगापुर जाता है, मलेशिया जाता है, मॉरिशस जाता है। तो आप साथ में ले जाते हैं या मतलब बाद में कुरियर से आगे पीछे? सारा माल मतलब फ्लैट से ही जाता है, किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से और 30 किलो हाथ में हम लोग बैग में साड़ियाँ भर के ले जाते हैं। तो जिस देश में आप जाते हैं वहाँ बेचने में कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पे सब लोग इंडियन भी है, साउथ भी मिलते हैं, फॉरन भी मिलते हैं, अंग्रेज भी मिलते हैं, उन सबको हमारी यहाँ की साड़ियाँ। तो वहाँ पे क्या आप दुकान लगाते हैं या मतलब वहाँ बेचने का क्या तरीका? जैसे इंडिया में प्रगति मैदान है, इंटरनेशनल शो होते हैं, वहाँ पे भी शो होते हैं, मतलब एग्जीबिशन टाइप के लगते हैं, मेले लगते हैं। जी। तो उनकी क्या कोई परमिशन वगैरह लेनी होती है या मतलब परमिशन वीजा उन लोग वीजा मतलब उनको परमिट जो है भेजते हैं फिर उनको यहाँ पे दिल्ली में वीजा पास होता है उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। कोई व्यापारी मित्र आपसे जानना चाहे इस मॉडल के बारे में तो क्या आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे और जो है वहाँ पे मतलब काफी दुकानदार की डिमांड है कि ये हमारे यहाँ के इंडिया के लोगों को जो है बुलाते हैं, पसंद करते हैं, काफी आइटम जो है लोग वहाँ पे जो है मतलब बोलते हैं कि आए इंडिया के लोग सामान लेके अपना अलग अलग टाइप का आइटम, अलग अलग मतलब तरह का आइटम लेके जाए। तो ये सारी बेचने के साथ साथ ये फॉरेन घूमने का भी इनको काफी अच्छा शौक है, तो ये दोनों चीज की पूर्ति कर लेते हैं। घूमने के शौक को ही इन्होंने बिजनेस भी बना लिया कि भाई घूमने भी जाते हैं तो खर्चे भी निकल गए, घूमना भी हो गया, विदेश का विदेश हर कंट्री में घूमना हो गया, हर कंट्री में इन्होंने मार्केटिंग का भी मजा ले लिया। अगर आपको भी कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो इनके बिजनेस मॉडल के बारे में तो आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको जब भी जरूरत हो आप हमें सूचित करें, हम आपको इनका नंबर दे देंगे। बाकी देहरादून में इनकी दुकान है, अगर आप रिटेल के व्यापारी हैं और अगर आपको सिंगल पीस में या अपनी शादी विवाह के लिए कुछ भी साड़ियां चाहिए तो इनकी दुकान में जरूर विजिट करें। कोहली एंड सन्स के नाम से दुकान है इनकी देहरादून में, अगर आप देहरादून से हैं या देहरादून के आसपास हो तो इनकी दुकान पे एक बार विजिट जरूर कीजिए, काफी वैरायटी और काफी जेन्युइन रेट में इनके यहाँ आपको माल मिलेगा।
कैसा अनुभव रहा आपका सूरत का ओवरऑल? काफी सारे व्यापारियों से आपने काम किया, काफी सारे व्यापारियों से आपने मिला, तो कैसा अनुभव रहा हर जगह आपको? सर मुझे सूरत से, हम ऑनलाइन माल मंगाते थे सूरत से, काफी दुकानों से माल मंगाते थे। पहली बार हम यहाँ सूरत में आए हैं और सबके पास आकर मुझे बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही खुशी मिली। और बाकी लोगों के साथ कैसा अनुभव रहा? मतलब अच्छा रहा और सबके पास, मतलब उनसे भी मतलब अच्छा रहा और बढ़िया और अच्छा आइटम है इनके पास, अच्छी वैरायटी है, अच्छी मतलब लोकेशन है, अच्छी मतलब गुड है। तो कुल मिला के आप केशव माधव से संतुष्ट हैं? जी जी संतुष्ट। अगर रेटिंग दी जाए तो आप 5 तो में क्या आप देंगे? केशव माधव से ही हम गुड देते हैं 10%। 10%। चलिए, मैं तो 5 मांग रहा था लेकिन आपने 10 दिया है, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने मतलब केशव माधव को जो है मतलब डबल रिव्यू दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।